हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों अपना चैप्टर चल रहा था एस ब्लॉक, है ना। तो अपने दो लेक्चर हो चुके, अपन इसमें आगे चलते हैं बेटा, है ना। एस ब्लॉक में देखो बेटा, सुनो, आगे अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखो, सुनो, बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है वो चेक करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब हम एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है हमें, ठीक है ना बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर अपन करें बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, जो केमिकल जो रिएक्टिविटी है ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। जैसे देखो, सुनो, मेरे पास ये है बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, है बच्चों। अगर मैं की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा बच्चों, इनकी ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, सुनो, ये जो लिथियम है, ये किसके, लिथियम करता है हॉट वाटर के साथ, है ना। लिथियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ हॉट वाटर के साथ करता है। अच्छा, ये देखो बच्चों, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट भी करेंगे, प्लस क्या करेंगे बच्चों, जनरेट करते हैं, है ना। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों रिएक्ट तो कर ही कर रहे हैं, साथ साथ में वहां क्या होती है बच्चों, हीट जनरेट होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अब बात करें देखो बेटा, इनकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देखो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा क्या, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, ये आएगा, है ना। अब देखिए बेटा, सुनिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो है, ठीक है ना, ये इतना ज्यादा इनर्ट है कि देखो, बेरिलियम क्या है बच्चों, इट डज नॉट रिएक्ट विद विद स्टीम, ठीक है ना। ये स्टीम ऑब्लिक हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम आपका इतना ज्यादा इनर्ट है कि क्या आपकी किससे रिएक्ट नहीं कर रहा, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता, समझ में आ रही है बात। और बाकी जो एलिमेंट्स है ना बच्चों इस ग्रुप के, वो क्या कर सकते हैं, वो आपके किससे रिएक्ट कर सकते हैं बच्चों, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जिस एलिमेंट का जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, जिस एलिमेंट की जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इजिली रिएक्ट कर रहा है, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, या तो वो क्या कर रहा है, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, या कर ही नहीं रहा है। तो आप बताओ, मैंने आपसे पॉइंट बोला था क्या बच्चों, कि आपका जो बच्चों पूरा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में सबसे इनर्ट मेटल कौन सा बताया था मैंने, बताओ, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा बताया था, बेरिलियम। बेरिलियम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता बच्चों, बेरिलियम किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं बात सोडियम की करता हूं, तो बच्चों ये सोडियम, ठीक है ना,
अब आपको याद है क्या बच्चों, सोडियम की वाटर से रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम की वाटर से रिएक्शन में क्या होगा, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा देखो बेटा NaOH प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन। ये कहीं पढ़ाई थी क्या, ये मैंने कहा पढ़ाई थी बच्चों, हाइड्रोजन टॉपिक के अंदर पढ़ाई थी क्या, होता है क्या ऐसे समझो, देखो सोडियम गया हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन आ गया सोडियम की जगह, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अरे विश्वजीत थोड़ा तो दिमाग लगा ले, जो कोल्ड वाटर के साथ कर सकता है वो स्टीम के साथ नहीं कर पाएगा क्या, है दिमाग चलता ही नहीं क्या तेरा, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है वो स्टीम के साथ नहीं कर पाएगा। हाँ भैया, अब देखो अगर मैं इसमें आगे सोचूं आपसे बात, ये रिएक्शन हुई कैसे, ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो बेटा अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम ऐसे गया, ये इस तरह से गया बच्चों। अब देखो ये वाटर है हमारे पास, ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये रिलीज हो गया बच्चों, वाटर को ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या होगा देखो बेटा, ये तो जाएगा इसके साथ, तो बच्चों बताओ H प्लस और इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो गया हाफ एच टू के अंदर, और Na प्लस एंड OH माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों बताओ, NaOH के अंदर। आ गया क्या समझ में, बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया, आ गया। अब देखो बेटा, अब मुझे बताओ बच्चों ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, कैल्शियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको कितने वाटर के मॉलिक्यूल चाहिएंगे, कैल्शियम को कितने वाटर के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल चाहिएंगे, देखो बेटा सुनो, दो मॉलिक्यूल चाहिएंगे ना, तो होगा क्या कि इन दोनों एच की जगह कौन आ जाएगा, कैल्शियम, और कैल्शियम चला जाएगा इनकी जगह, यानी क्या मिल गया देखो CaOH2 और ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, निकल गया क्या बच्चों, निकल गया, बोलो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अगला देखो बेटा सुनो, अगर मेरे पास ये वाली पिक्चर हो, ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली पिक्चर हो, बताओ ये एल्कोहल है, ठीक है ना, इस एल्कोहल के साथ हमें क्या करना है, हमें इसको रिएक्ट करवाना है बच्चों, ठीक है ना, हमें एल्कोहल के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, ध्यान दो बहुत, एच की जगह जाएगा एन ए, और एन ए की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, आगे आगे क्या बात समझ में आई, बोलो क्या मिल जाएगा, देखो CH3CH2ONa और ये हो गया हाफ एच टू, हो गया बच्चों ये समझ में आया। आगे देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं ये कहता हूं, अब बच्चों बताओ कौन सी हाइड्रोजन हटेगी, कौन सी हाइड्रोजन हटेगी, सी एच थ्री वाली हटेगी या ओ एच वाली हटेगी, ओ एच वाली हटेगी, ये देखो ये गया इसकी जगह और ये आ गया इसकी जगह, आ गया क्या बच्चों, आ गया समझ में। अब एक चीज बताओ बच्चों सुनो, आपको याद है क्या बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जानते हो क्या एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ाया था आप लोगों को, एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं बच्चों, याद है क्या, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों, बोलो बोलते हैं एक्टिव, याद है क्या, अरे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, तो ऐसी जब भी कोई हाइड्रोजन होगी ना उसको क्या कर सकता है, मेटल बच्चों रिमूव कर देता है, उसको मेटल रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह कौन चला जाएगा, उसकी जगह आपका वो चला जाएगा। आगे बात समझ में आएगी, बोलो बच्चों बात समझ में आएगी, ये बात सबको समझ में आएगी पक्का, चलिए। तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर then base is
फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो बेस क्या होगा बच्चों आपका, बेस बनता है आपका, ये बात समझ आएगी। क्या होता है बच्चों, बेस का फॉर्मेशन होता है ये बच्चों। रिएक्शन समझ में आ गई, ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या बच्चों? विश्वजीत तेरे को समझ में आ गया क्या? अरे विश्वजीत तेरे को बात समझ में आ गई क्या? चलो बच्चों, तो ये तो बात होगी हमारी इस तरह से, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने साथ साथ में ये भी बात कर ली। अब देखो बेटा सुनो, अपन लेते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं बच्चों, देखो अपन बात करें बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ अपन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक बात बताओ बच्चों, एस ब्लॉक में ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता, बताओ बच्चों। एस ब्लॉक में ऐसा कौन सा मेटल है? बेरिलियम, याद है क्या बताया था बच्चों? बेरिलियम। तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, इन एस ब्लॉक बेरिलियम, ठीक है ना, इन एस ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर डायरेक्टली कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, ठीक है ना बच्चों। क्या कह रहे हैं कि एस ब्लॉक में बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो मेटल है ना वो किसके साथ ये कर सकते हैं बच्चों, वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ ये करके मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मान लो मैं फर्स्ट ए की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ए में मैंने ऐसे लिखा बच्चों, अब बताओ फर्स्ट ए वालों की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? फर्स्ट ए वालों की वैलेंसी प्लस वन होती है ना, होती है बच्चों। तो फर्स्ट ए वाले इस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे बच्चों, है ना, एमएच टाइप का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फर्स्ट ए वाले किस टाइप का बनाएंगे? एमएच टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो बेटा सुनो, एल आई एच, एन ई एच, के एच हो गया, रुबीडियम हाइड्राइड हो गया, सीजियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। अच्छा बात करें सेकंड ए की, तो सेकंड ए की बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात हो बेटा, अगर मैं आपसे एक बात करूं तो सेकंड ए वालों की क्या होती है? सेकंड ए वाले बच्चों प्लस टू होते हैं, इस टाइप के बनाएंगे बच्चों एम एच टू, है ना। जैसे देखो PEH2, MgH2, CH2, ऐसा ऐसा बनाते हैं बच्चों। ये आपको समझ में आ गया? आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बनाएंगे बच्चों? बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बनाएंगे बताओ? बेरिलियम डायरेक्ट तो रिएक्ट करता नहीं है, तो बच्चों बताओ बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बनाया जाएगा, कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा? बेरिलियम का हाइड्राइड देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, ध्यान देना ढंग से समझना। मेरे पास ये है बच्चों बेरिलियम क्लोराइड और ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है बच्चों। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कितनी हाइड्रोजन दिख रही है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में चार दिख रही है, ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है? एक क्लोरीन की जगह एक हाइड्रोजन आ सकता है क्या? याद करो बच्चों, हाइड्रोजन की हेलोजन से सिमिलरिटी होती है, हाइड्रोजन और हेलोजन सिमिलरिटी रखते हैं। तो बच्चों बताओ मुझे बेरिलियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? बेरिलियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ना, दो लेती बैलेंस हो गया मामला। अब देखो बेटा क्लोरीन चला गया इसकी जगह और ये आ गया इसकी जगह, आ गया बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। तो जैसे ही हमने इसको किया क्या मिल जाएगा देखो बेटा, ये मिल गया सॉफ्ट बेरिलियम हाइड्राइड और ये मिल गया एल आई ए एल सी एल फोर। बोलो बच्चों ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, आप याद करो आप लोगों ने जब टॉपिक हाइड्रोजन पढ़ा था
क्या ऐसा हमने लिखा था कि इन हाइड्राइड्स में कंसिडरेबल अमाउंट में कोवलेंट प्रॉपर्टीज आती है बच्चों, बताओ इन हाइड्राइड्स में कंसिडरेबल अमाउंट में कोवलेंट प्रॉपर्टीज आती है क्या, याद है बच्चों? ये देखो बच्चों, कंसिडरेबल कोवलेंट करेक्टर। फिर एक बार बताओ बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं रिमेनिंग ऑल हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक, बच्चों बताओ रिमेनिंग जो हाइड्राइड्स है वो कौन से होंगे, वो किस टाइप के हैं बच्चों, इंटरस्टीशियल टाइप है, मॉलिक्यूलर टाइप है, कौन से हैं? आयनिक है ना बच्चों, याद है आयनिक है बच्चों, तो उनको बोलते हैं आयनिक या सोल्ट या सलाइन बोलते हैं बच्चों, याद करो, बोलते हैं क्या आयनिक बोल सकते हैं, सोल्ट बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बात समझो बच्चों, अब आगे आओ बेटा सुनो, देखो आपको याद है क्या बच्चों, BeH2, ठीक है, तो BeH2 क्या होता है बच्चों, याद करो बच्चों, ये क्या करता है, ये डाइमेरिक एंड पॉलीमेरिक फॉर्म दिखाता है क्या, ये डाइमेरिक एंड पॉलीमेरिक फॉर्म दिखाता है, याद करो बच्चों, ब्रिज बॉन्ड होता है, अरे याद है क्या बच्चों, इसमें ब्रिज बॉन्ड था डाइमेरिक एंड पॉलीमेरिक, कौन सा Pc2e bond, याद है क्या, ये बच्चों एक्सप्लेन किया था बेरिलियम हाइड्राइड में, अरे बोलो बच्चों किया था क्या बेरिलियम हाइड्राइड में, अरे आपको ब्रिज बॉन्ड बढ़ाया था ना बच्चों 3c2e 3c4e bond, याद है क्या, अरे बच्चों बढ़ाया था यार, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आगे बात करूं कि मेरे पास ये देखो बेटा LiH NaH KH RbH CsH, ठीक है, इस तरह से देखो बेटा सुनो, BeH2 MgH2 CH2 SrH2 एंड BaH2, ये मेरे पास। अब बेटा अगर मैं इनको देखूं तो इनमें क्या होगा, देखो बेटा ये इस तरह से, अगर अपन इन सीरीज में इधर से इधर जाते, ठीक है, तो इन सीरीज में जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो मुझे बताओ बच्चों इन सब के अंदर देखो बेटा क्या है, हाइड्राइड आयन है। अब बच्चों बताओ हाइड्राइड आयन है तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, बताओ बच्चों, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, डिक्रीज करेगी ना बच्चों, अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होने लगी, वो डिक्रीज करने लगी, क्यों डिक्रीज करने लगी, क्योंकि देखो बेटा सिंपल सी बात है, हाइड्राइड एक छोटा एनायन है ना, ये क्या बच्चों स्मॉलर एनायन है, ठीक है, अब स्मॉलर एनायन के साथ कैसा कैटायन अच्छे से सेटअप होगा, किस कैटायन की इसके साथ अच्छे से पैकिंग होगी, स्मॉलर के साथ स्मॉलर की होगी ना, बोलो बच्चों, अगर आपका एनायन स्मॉलर है तो कैटायन भी उसको कैसा चाहिए, छोटा चाहिए ना, अरे बच्चों एक बार बताओ, एक छोटा बच्चा इसके साथ खुश होता है, छोटा बच्चा छोटे के साथ ही खुश होता है ना, हमेशा छोटा बच्चा छोटे के साथ ही खुश होगा, बड़ा बच्चा बड़े के साथ खुश होगा, होगा कि नहीं होगा, हमेशा हमारी जो दोस्ती होती है वो हमारी एज ग्रुप वालों के साथ होती है ना, हमारी दोस्ती हमेशा सिमिलर एज ग्रुप वालों के साथ होती है, तो बच्चों बात समझ में आएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन सबसे इजीली कौन रिलीज करेगा, जो लेस स्टेबल है वो करेगा ना, बोलो बच्चों हाइड्रोजन सबसे इजीली कौन रिलीज करेगा, लिथियम हाइड्राइड या सीजियम हाइड्राइड, कौन करेगा भैया, सीजियम हाइड्राइड, तो मैं कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, रिड्यूसिंग जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो क्या होगी, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ना, बोलो बच्चों रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना,
अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये मेटल हाइड्राइड है बच्चों, ठीक है, मेटल हाइड्राइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया, मेटल हाइड्राइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो बच्चों आपको याद है क्या बच्चों क्या मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मिलता है कि नहीं मिलता बच्चों, याद है क्या? मेटल हाइड्राइड, देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज मेरे पास है NaH, क्या इस NaH को ऐसा लिख सकता हूं Na प्लस H माइनस, क्या अपन वाटर को ऐसा लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस, ऐसा लिख सकते हैं? यहां से देखो क्या होगा, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, क्या मिल गया बच्चों बताओ? NaOH और H2। अब याद करो बच्चों, मेटल और मेटल हाइड्राइड दोनों ही ये प्रोडक्ट देते ना, देखो थोड़ी देर पहले आपने जब सोडियम को रिएक्ट करवाया था तो भी ये बना था ना, बोलो बच्चों, मेटल वाटर के साथ ये करके भी वही दे रहा है NaOH प्लस हाइड्रोजन, और मेटल हाइड्राइड भी वही दे रहा है ना, मेटल हाइड्राइड भी वही दे रहा है, डिफरेंस एक आया बच्चों, याद है क्या? देखो यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल मिला है ना, और वहां क्या मिला बच्चों? 1/2 मोल मिला। क्या ये बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाइड्रोजन में मोल्स जो होंगे वो डबल हो जाएंगे, तो देखो बेटा अपन कह सकते हैं क्या, मेटल एंड इट्स हाइड्राइड गिव सेम प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है? फिर देखो बेटा, फिर आप क्या कह सकते हो, क्या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल हाइड्राइड है ना, वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल, ठीक है ना? ये बात मैं आपको कभी इसी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाई थी ना ये, मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाई थी बच्चों। अब बताओ बेटा सुनो, अब देखिए अगर मेरे पास ये है NaH, ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इसका किया इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो मुझे ये मिल गया बच्चों Na प्लस और H मिल गया, Na प्लस और H माइनस मिल गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, सुनो, कैथोड पर जाता है किटाइन, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया बच्चों सोडियम, और एनोड पर कौन जाएगा H माइनस, ये कन्वर्ट हो गया 1/2 H2 और इलेक्ट्रॉन के अंदर। बोलो बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो अरे बच्चों समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये हमने बात किसे की बच्चों, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ बात कर ली, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं लेता हूं बेटा, तो हमने दिया नंबर ए दिया था, अब अपन चलते हैं सेकंड पर, रिएक्शन विद हेलोजन, ठीक है ना, हेलोजन्स के साथ हमें बात करनी है बच्चों, तो इसको समझाता हूं बेटा सुनो, सुनिए, सबसे पहले बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स, ठीक है, तो बच्चों बताओ कौन सा हेलोजन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कंफर्म फ्लोरीन करेगा बच्चों, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा बच्चों F2Cl2Br2 और I2, आ गया बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक सिंपल सी चीज बताओ मेरे को कि हेलोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बताओ, हेलोजन की कॉमन ऑक्सीडेट होती है -1 होती है, तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं फर्स्ट ए वालों के साथ बात करूं तो फर्स्ट ए वाले क्या करेंगे बच्चों,
हेलोजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, एमएक्स बनाएंगे क्या, एमएक्स बनाएंगे बच्चों, फर्स्ट ए वाले। जैसे देखो बेटा एनएसीएल है, केबीआर है ना, एसीएल है, बोलो बच्चों ऐसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। अच्छा बात करें सेकंड ए वालों की, तो सेकंड ए वाले बच्चों क्या करेंगे, देखो बेटा एम प्लस एक्स टू, क्या ये एम एक्स टू टाइप बनाएंगे, क्या ये एम एक्स टू टाइप। जैसे देखो बेटा सुनो, हमें मिल गया बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बोलो बच्चों ऐसा मिलते हैं कि नहीं मिलते, बोलो मिलते हैं क्या, याद है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ए में, फर्स्ट ए में देखो बेटा ये एल आई एफ है, ये बच्चों आपको पता होगा आयोनिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों एल आई सी एल, एल आई बी आर और एल आई आई, इनका कैसा नेचर होता है बच्चों बताओ, इनका नेचर कैसा होता है बच्चों, कोवलेंट होता है, होता है क्या, कोवलेंट इन नेचर होता है बच्चों, ठीक है ना, कोवलेंट होते हैं। बाकी अपन क्या कह सकते हैं, अगर ये कोवलेंट है, अगर ये कोवलेंट है तो बच्चों क्या ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाएंगे, अगर ये कोवलेंट है तो क्या होगा बच्चों देखो, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना, लाइक एल्कोहल, पिरिडीन, इस तरह से बच्चों, ठीक है। एल्कोहल और पिरिडीन में ये क्या हो जाएंगे बच्चों, सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। अच्छा फिर देखो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग ऑल हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ए वो क्या बच्चों, वो आयोनिक इन नेचर है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट ए में तो देखो बेटा क्या है, फर्स्ट ए में तो अगर आप ध्यान दो ना तो लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कोवलेंट नेचर के। इसका रीजन समझ आया बच्चों, आपको पता होगा बच्चों एल आई प्लस का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस का साइज बड़ा है, तो ये छोटे साइज के कैटाइन क्या करेंगे, इन बड़े साइज के एनायन का क्या करेंगे बच्चों, छोटे साइज के कैटाइन है वो बड़े साइज के एनायन का क्या करेंगे बच्चों, पोलराइजेशन करेंगे, बोलो बच्चों। और फजान सूल के अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, जितना छोटा कैटाइन होता है और जितना बड़ा एनायन होता है, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कौन से कैरेक्टर डेवलप हो गए बच्चों, उनमें कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए, कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए क्या बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो बेटा सुनो, आगे बात करते हैं, देखिए अगर अपन बच्चों सेकंड ए में जाएं, ठीक है, तो सेकंड ए में देखो बेटा पर क्या कह सकते हैं, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये जो होते हैं ना बच्चों ये किस नेचर के, कोवलेंट नेचर के होते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहां देखा बच्चों, ये कोवलेंट नेचर के होते हैं। अच्छा आप बताओ बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों BeCl2, ये डाइमर भी बनाता है और पॉलीमर भी बनाता है बच्चों सॉलिड स्टेट में, याद करो बहुत सारे मॉलिक्यूल, और इनके अंदर ये बॉन्ड मिलता है क्या, ईसी फोर ई बॉन्ड बच्चों ये पढ़ाया था आपको ब्रिज बॉन्ड, ये ब्रिज बॉन्ड बढ़ाया था ना, जब बीच में हेलोजन आ जाए तो 3C4E बॉन्ड बनता है, बनता है ना बच्चों, पढ़ाया था क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मेरे पास है बच्चों आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास ये एम एफ, एम सी एल, एम बी आर और एम आई। अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को सिंपल सी, ये मेरे पास है तो इसका एक सिंपल सा फंडा बताओ कि किसमें कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम होंगे बच्चों, एम एफ में होंगे या एम आई में होंगे, बोलो बच्चों एम आई में होंगे ना, क्यों,
क्योंकि i माइनस का साइज क्या है, सबसे बड़ा है बच्चों, i माइनस का साइज सबसे बड़ा है, तो एनायन जितना बड़े साइज का होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें बच्चों क्या हो जाएंगे, उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे ना, उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, तो जिसके कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे उनके एमपी बीपी भी कम आएंगे ना फिर, बोलो बच्चों, जिनके कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे उनके एमपी बीपी भी कम आएंगे ना, तो बच्चों बताओ एमपी बीपी किसके ज्यादा आए, इनके ज्यादा आए कि नहीं आए? अरे बच्चों समझ में आया क्या, आई बात समझ में, बोलो। अरे बेटा आप मुझे बताओ, आई माइनस का साइज बड़ा है, जितना बड़ा एनायन होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, तो आयनिक करेक्टर कम हो गए। अब जिसमें आयनिक करेक्टर कम है उनका बीपी एमपी भी तो कम आएगा ना, उनका बीपी एमपी भी कम आएगा, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बढ़ा चुका हूं, हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी मैं केमिकल बॉन्डिंग में बढ़ा चुका हूं, सोल्युबिलिटी बढ़ाया ना मैंने आपको सब। अरे बच्चों सोल्युबिलिटी पढ़ाई थी ना, याद है, सोल्युबिलिटी आपको सबको पढ़ा रखी है मैंने, है ना। अब देखो बेटा एक बार बताओ, देखो सुनो, आपने ये पढ़ा बच्चों, पॉली हैलाइड आयन, ये पॉली हैलाइड आयन क्या है ये समझ लो थोड़ा सा। देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये के आई है, ठीक है, ये के आई आई टू से रिएक्ट करता है बच्चों, और क्या बना देता है, के आई थ्री, ये बच्चों समझ में आया क्या? देखो हुआ क्या, आयोडीन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है बच्चों बताओ, आयोडीन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, आयोडीन का पीरियड बताओ, ग्रुप नहीं बताना है, पीरियड बताना है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। अब बताओ फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे बच्चों, है ना, तो बच्चों क्या होगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या करेगा, ये इस आई माइनस से लोन पे ले सकता है क्या, लोन पे ले सकता है बच्चों, लोन पे लेने से बन गया के आई थ्री, इसके अंदर देखो बेटा ये के प्लस एंड आई थ्री माइनस, बच्चों समझ में आया, अरे ये मिल गया क्या, के प्लस और आई थ्री माइनस, अरे बात दिमाग बैठी क्या, इस तरह से देखो बेटा सुनो, मेरे पास है सीजियम ब्रोमाइड प्लस ब्रोमीन, ठीक है, सीजियम ब्रोमाइड प्लस ब्रोमीन, यहां पर भी ऐसे कुछ होगा, क्या मिल जाएगा देखो बेटा, सी एस बी आर थ्री, ये मिल गया बेटा, सीजियम प्लस और बी आर थ्री माइनस वन, बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो, अरे ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया क्या, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास है LiCl, NaCl, KCl, RBCl और CHCl, इसमें बताओ बच्चों इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे, बताओ बच्चों, LiCl, NaCl, KCl, RBCl, बच्चों बताओ, देखो एनायन इसमें सब में, एनायन इनमें सब में कॉमन है, तो केटाइन देखो, केटाइन छोटा होगा तो वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, तो बड़ा केटाइन देखो, तो बच्चों अपन ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, बोलो कह सकते हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर एनायन सिमिलर हो, अगर एनायन सिमिलर हो तो डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर बढ़ रहेगा, बोलो बच्चों, डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर बढ़ रहे हैं ना, तो कह सकते हैं कि देखो क्या, विद सिमिलर एनायन डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई, आ गई बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो अच्छा एक बात आपको बताया गया बच्चों, कौन से हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों बताओ, आयनिक का होता है या कोवलेंट का होता है, आप इसे कोई बताएगा बच्चों, कौन से हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, कोवलेंट का होता है बच्चों,
बताया था हाइड्रोलिसिस किसका होता है बच्चों, कोवलेंट का होता है, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को अभी पी ब्लॉक में थोड़े टाइम पहले। तो बच्चों बताओ पी ब्लॉक में ऐसे कौन कौन से हैलाइड है जिनका हाइड्रोलिसिस बड़ा इजीली हो जाएगा, बताओ पी ब्लॉक में ऐसे कौन कौन से हैलाइड है जिनका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा, याद करो आज हमने लिखा है। देखो LiCl, LiBr हो सकता है, लिथियम के हैलाइड हो सकते हैं, बेरिलियम के हो सकते हैं और मैग्नीशियम के हो सकते हैं, हो सकते हैं ना लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम के, बच्चों बताओ बोलो कह सकता हूं क्या? तो देखो बेटा सुनो, मैं ऐसे कह सकता हूं LiCl BeCl2 MgCl2, ठीक है ना, आर हाइड्रोलाइज्ड इजीली ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर, याद आ गया बच्चों बोलो, ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर, आया बच्चों समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों बात समझ में आई? अच्छा बच्चों ये तो हमने बात कर ली इसकी, ठीक है, तो ये हमने बात की रिएक्शन विद हैलोजन्स। अब देखो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट थर्ड अपन बात करेंगे किसके साथ, अपन बात करते हैं बच्चों अमलगम फॉर्मेशन, अमलगम फॉर्मेशन। ये अमलगम जानते हो क्या बच्चों? अमलगम जानते हो है ना, बोलो बच्चों क्या होगा जब कोई मरकरी के साथ कंबाइंड हो, तो बच्चों क्या होता है बच्चों कोई भी एस ब्लॉक का मेटल अगर आप उसको मरकरी के साथ फ्यूज्ड कर देते हो तो क्या करते हैं बच्चों, वो अमलगम का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। तो क्या बच्चों ऑल एस ब्लॉक मेटल्स कंबाइन विद मरकरी टू फॉर्म अमलगम एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब मरकरी के साथ साथ जब रिएक्ट करेंगे ना तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे देखो बेटा हमारे पास सोडियम प्लस एच जी है, हमें ये मिला बच्चों एन एच जी, ठीक है ना, ये हीट रिलीज हुई, ठीक है बच्चों, ये बात होगी। अच्छा अब मुझे एक बात है बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, क्या वो आपके एलॉय बनाते हैं बच्चों? एस ब्लॉक के मेटल्स एलॉय बनाते हैं? बनाते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना, है ना, बहुत सारे एलॉयज हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ अपन लाइन लिखेंगे एलॉयज क्या क्या है वो मैं लास्ट में एक लिस्ट लिखाऊंगा आपको। तो देखो बेटा वेरियस एस ब्लॉक मेटल्स फॉर्म एलॉय, है ना, विद ईच अदर, ठीक है ना, एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, एलॉयज का फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, एलॉयज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आओ बेटा आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन, थर्ड के बाद चलते हैं अपन फोर्थ के ऊपर। देखो बेटा रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ठीक है ना, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन के बजाय अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं बच्चों रिएक्शन विद एयर लिख लेते हैं, एयर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों बताओ एस ब्लॉक का ऐसा कौन सा मेटल है जिसको अगर अपन एयर में खुला छोड़ दें तो भी उसकी सरफेस टर्निश्ड नहीं होती, उसकी सरफेस खराब नहीं होगी, बताओ बच्चों कौन सा ऐसा मेटल है जो सरफेस जिसकी टर्निश नहीं होती, बेरिलियम, आपको याद होगा मैंने बताया था बेरिलियम एस ब्लॉक का मोस्ट इनर्ट मेटल है,
है ना बच्चों, समझ में आया? बोलो बच्चों। अच्छा, अगर हमें इनकी सरफेस को टेनिस रोने से बचाना है तो किसमें स्टोर करके रखते थे, याद है? अगर हमें इनकी सरफेस को टेनिस रोने से बचाना है तो केरोसिन में रखते थे। अच्छा, लिथियम को किसमें रखते हैं? लिथियम को किसमें रखते हैं बच्चों? पैराफिन के अंदर। पैराफिन वैक्स लिया था, लिक्विड पैराफिन के अंदर। तो देखो बेटा सुनो, क्या अपन क्या बोलेंगे इसमें, एक्सेप्ट पेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेटल्स ऑफ एस ग्लोक आर इजिली टेनिस्ड इन एयर एंड लाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ठीक है ना? अब बच्चों बताओ, अगर किसी मेटल को हमने लॉन्ग टाइम तक एयर के अंदर खुला रखा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों बताओ? अगर हमने किसी मेटल को लॉन्ग टाइम तक है ना एयर के अंदर रखा तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों बताओ? लास्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों कार्बोनेट। देखो बेटा क्या, सुनो क्या होता है। देखिए सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई मेटल एम है, ठीक है, जो मेटल एम है, ठीक है, ये मेटल एम सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसने बना दिया मेटल का ऑक्साइड, बन गया। अब बच्चों बताओ, ये जो मेटल का ऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों मॉइस्चर कंटेंट होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है कि नहीं होता है? तो ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर क्या बना देगा बच्चों बताओ? मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, बना देगा बच्चों। अच्छा, मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या मिल गया? बेस मिल गया। ये जो बेस है वो क्या करेगा बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है उसके साथ मिलके क्या बना देगा बच्चों? उसके साथ मिलके बना देगा मेटल कार्बोनेट। बना देगा कि नहीं बना देगा? बोलो बच्चों, को समझ में आया? पहले बना मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के बाद बना मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ क्या बना दिया? मेटल कार्बोनेट बना दिया। बच्चों समझ में आया? तो क्या बोलेंगे कि लॉन्ग टाइम एक्सपोजर इन एयर एंड लाइट गिव्स कार्बोनेट एज ए फाइनल प्रोडक्ट। के बच्चों वो क्या करेगा? वो कार्बोनेट को फाइनल प्रोडक्ट देगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं ना, लिथियम है, बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है ना, इनको अगर अपन एयर के अंदर गर्म करें, ठीक है ना, तो बच्चों ये ऑक्साइड के साथ साथ ये नाइट्राइड भी बनाते हैं बच्चों। ये नाइट्राइड का मतलब समझ गए? बोलो बच्चों, नाइट्राइड का मतलब समझ गए क्या? बोलो, तानिया सीते के SO2 कहाँ गया? अचानक से SO2 की याद कहाँ आ गई आपको? SO2 भी आएगा, वेट करो थोड़ा सा। हाँ जी भैया, इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों ज्यादा अमाउंट में कौन कौन सी गैसेस होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है बच्चों, होती है कि नहीं होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, लेकिन ध्यान रखना कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ रिएक्शन ये कर पाते हैं लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसका रीजन बता सकते हो बच्चों ऐसा क्यों? बच्चों बता सकते हो क्या? यही मेटल बना पाते हैं, बाकी कोई मेटल नहीं बना पाता नाइट्राइड। देखो बच्चों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान देना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे मेटल आयन का साइज बढ़ता जाएगा, मेटल आयन का साइज बढ़ता जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, साइज जैसे जैसे बढ़ता है आपको पता है लेटिस एनर्जी कम होती है क्या? बोलो बच्चों,
जैसे जैसे मेटल आयन का साइज राइज करेगा, आपको याद है क्या बच्चों, कभी लेटिस एनर्जी पढ़ी थी क्या? लेटिस एनर्जी क्या होती है बच्चों? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी, लेटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी ना बच्चों। अरे समझ में आया क्या? तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, उनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? वो वीक बॉन्ड होगा। कुछ समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया, लेटेस्ट एनर्जी कम रिलीज होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा? वीक बनेगा। समझ में आया क्या? आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि ये लिथियम है, तो लिथियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों बताओ? लिथियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा? Li3N बनेगा क्या बच्चों? ठीक है, क्यों? लिथियम की वैलेंसी क्या होती है? लिथियम की वैलेंसी होती है +1, नाइट्रोजन की होती है -3। अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है बेरिलियम, ठीक है, इससे क्या बनाओगे? इससे बनाओगे देखो बेटा Be3N2। क्यों? बेरिलियम की वैलेंसी होती है +2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? -3 होती है। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, मैग्नीशियम की +2, ये तो ये मिल गया बच्चों में Mg3N2। आ गया बच्चों समझ में? बोलो ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, क्या देखो, रिमेनिंग ऑल मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक cannot form stable nitride, stable nitride due to weak metal nitrogen bond, है ना? metal nitrogen bond क्या होगा? weak होगा। अब देखो बेटा सुनो, these nitrides, है ना, on hitting gives nitrogen again, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? अगर आपने नाइट्राइड को हीट किया तो ये वापस दे देंगे। कैसे? देखो जैसे मेरे पास Mg3N2 है, ठीक है, इसको हीट करें तो हमें क्या मिल जाएगा वापस? हमें बच्चों मैग्नीशियम मिल जाएगा और वापस नाइट्रोजन मिल गया। अच्छा बच्चों बताओ, नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस क्या देगा? कोई बता सकता है नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस क्या देगा? अमोनिया देगा बच्चों। देखो सुनो क्या बोल रहे हैं, hydrolysis of nitride gives ammonia, ठीक है ना, hydrolysis of nitride gives ammonia, ठीक है बच्चों। कैसे? जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये Mg3N2, तो इसमें बच्चों 3 मैग्नीशियम है और 2 नाइट्रोजन है, बताओ टोटल चार्ज कितना है इसके पास? बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ? 6। आपको याद है क्या बच्चों, जितना टोटल पॉजिटिव या जितना टोटल नेगेटिव होता है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आते हैं। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आ जाएंगे बच्चों बताओ? कितने मॉलिक्यूल्स काम आ जाएंगे? 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पर काम आएंगे। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स देखो क्या करेंगे,
आपको मिला देगा बच्चों 3 MgOH2 और 2 moles ऑफ अमोनिया। आगे बात सुनिए बच्चों, बोलो ये समझ में आया? आया बच्चों?